हमारे पीछे देख रहे हैं, ये है आनंद विहार रेलवे स्टेशन। और बगल में आप मेट्रो देख रहे हैं, इधर से आने के लिए मेट्रो फ्री है, बगल से आप मेट्रो भी आ सकते हैं। ये मेट्रो चल जा भी रही है तो, और ये एंट्री गेट है, यहाँ से आप एंट्री गेट जा सकते हैं आनंद विहार मेट्रो स्टेशन। हाँ का टाइम थोड़ा दिया ख़राब हो गया, लेकिन फिर भी ठीक है, सही है। ये है आनंद रेलवे स्टेशन, आनंद विहार रेलवे स्टेशन। हम जो है ये आनंद विहार रेलवे स्टेशन है, और जिसके जस्ट अपोजिट ये आप देख रहे हैं, नीचे दिखाई दे रहा है। हाँ तो ये टेम्पो है जाने के, आने के लिए नहीं है लेकिन जाने के लिए है। फिर भी आपको मैं दिखा रहा हूँ, घर से आ सकते हैं, घर से आने के लिए। और ये आपका बगल में है बस हवाई अड्डा, क्योंकि बस से आप कहीं भी जा सकते हैं, मन है तो आप मेट्रो चलाइए, और नहीं तो फिर आप बस पकड़ सकते हैं। बस आपके बगल में वो दिखाई दे रहा है। हाँ तो ये आप बस स्टैंड है यहाँ पर, ये आनंद विहार रेलवे स्टेशन का बगल में ही है, 5 मिनट लगेगा, जो कि आप आज जा सकते हैं, क्योंकि बेहतर भी है, आप देखने के लिए अच्छा लग रहा है मेट्रो। और एक बात और मैं बता दूँ कि आप पास बना सकते हैं, 50 में आप पास बनाइए, पूरा 24 घंटा दिल्ली घूमिए। लेकिन एक बार नोट कर लीजिए, आप रेड टाइप और ये ग्रीन टाइप का आप जो देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए रेड और ग्रीन, रेड और ग्रीन दिखाई दे रहा है ना, ये देखिए हमारे बैग में आपको ध्यान से दिखा दे रहा है, रेड और ग्रीन। ऑरेंज वाले पे नहीं चढ़ना है, ठीक ना, ऑरेंज वाले जो ये बस है, ऑरेंज या ब्लू, ठीक ना, ऑरेंज या ब्लू पर नहीं चढ़ना है, बाकी आप रेड और ग्रीन, रेड होगी आपका एसी, रेड जो है ये आपका एसी है, और ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन वाला, अभी तो कोविड की वजह से कर दिया है 50% यात्री, मतलब 50% ही केजरीवाल सरकार ने दिया है इजाज़त, और इस लाइन से धीरे धीरे बस खुल रही है। और मैं ठीक अपने अपोजिट ये मैं दिखाना चाहता हूँ अपने दर्शकों को, ये देखिए, ये आप जो अपोजिट दिख रहे हैं ये मेट्रो है, ठीक ना, आनंद विहार मेट्रो स्टेशन बगल में है, जो कि आप जा सकते हैं, जो कि आपके लिए बेटर है और सुविधाजनक है। लेकिन मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप टिकट कटाइए 50 रुपया का, और पूरा दिल्ली घूमिए, टेम्पू मत कीजिए, ऑटो रिक्शा मत कीजिए, बहुत ही महंगा और कॉस्ट बहुत ही है। और ये बस एग्जिट है, ये एग्जिट है, ये जो बस जा रही है आप जो देख रहे हैं, ये ग्रीन और रेड, आपको ग्रीन और रेड, ऑरेंज पे नहीं बैठना है, ऑरेंज आपका प्राइवेट बस हो गया, लेकिन यहाँ का दिल्ली का जो है रेड और ग्रीन दोनों पर आप जा सकते हैं पास बना के, 50 रुपये का पास बनाइए, और एसी पे आप बैठ सकते हैं, नन एसी पे भी बैठ सकते हैं, नन एसी आप अगर कटाते हैं तो ग्रीन वाले पर ओनली, ये जो ग्रीन वाला है ओनली उसी पर बैठ सकते हैं, नन एसी वाले पर, और 50 रुपये कराते हैं नन एसी दोनों पर बैठ सकते हैं, जो कि आपके लिए बेटर और सफिशेंट है, देखने में बढ़िया लग रहा है। और ये जो है एग्जिट है, ये आप आनंद रेलवे स्टेशन से आ सकते हैं। और ये जो देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, रेड वाला ये नन एसी हो गया, ये ग्रीन वाला नन एसी हो गया, और जो बैक में आप जो दूर की साइड देख रहे हैं वो नजर आ रही है। हाँ तो मैं क्या कहना चाह रहा था, रेड वाला एसी होगा, ठीक है, तो आप उसको जा सकते हैं आराम से, एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा। और मैं क्या बताऊँ, यहाँ का मौसम ये भी बहुत ही सुहाना हो गया है बारिश की वजह से,
क्योंकि गर्मी नहीं लग रही है, क्योंकि गर्मी पहले लगती थी लेकिन गर्मी नहीं लग रही है। और पहले से अच्छा मौसम हो गया है, मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है। मैंने इससे पहले भी आनंद विहार आ चुका हूँ, लेकिन अभी का आनंद विहार और पहले का आनंद विहार बहुत अंतर हो गया, बहुत ही डेवलप किया गया है। 2021 का जो आपका आनंद विहार है बहुत ब्यूटीफुल हो गया है, आने वाले समय में और भी बहुत अच्छा। और ये हमारे पीछे आप जो देख रहे हैं मेट्रो, ये मेट्रो आना, हाँ ये जो मेट्रो है कह रहे दोस्त, हाँ ये जो मेट्रो है आप आराम से कहीं भी जा सकते हैं, आराम से रिलैक्स होकर, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेट्रो है बहुत अच्छा है, एफिशिएंट भी है, बढ़िया भी है, लाजवाब भी है और देखने में भी लग रहा है। ये अंदर स्टॉप भी जा गया है, इसका यहाँ रुक जाएगी। तो मैंने ये बोला कि आप जब भी दिल्ली आइए घूमने के लिए तो आप 50 रुपया का पास बनाइए, उनको बोल दीजिए कंडक्टर को कि हमें 50 रुपया का पास बना दो। जब आप 50 रुपये का पास बना लोगे तो आप ये ग्रीन वाला जो देख रहे हैं आप, ये ग्रीन, ये सरकारी बस है दिल्ली सरकार की, और ये जो ऑरेंज बस है, ये ऑरेंज बस ये प्राइवेट हो गया जिस पर आपको चढ़ना नहीं है। प्राइवेट बस बहुत महंगा है दिल्ली का। मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी दिल्ली घूमने आए तो एक पास बनाएं और 24 घंटे तक घूमें, कहीं भी आप जा सकते हैं, दिल्ली के किसी भी कोने में आप जा सकते हैं आराम से, एकदम घूमिए रिलैक्स, और अच्छा भी लगेगा दिखने में भी। और ये जो रेड वाला बस आ रही है ना मार्केट, और इसे ठीक बगल में ये दोस्त जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको, ये देखिए हमारे पीछे है, ये देखिए हमारे ठीक पीछे ये प्राइवेट मेट्रो है, ठीक ना, मेट्रो है जो कि देखने में अच्छा लगेगा और बढ़िया भी लगेगा। रिकमेंड करूँगा कि मैं यहाँ पर आइए और अच्छा से देखिए, एकदम अच्छा से लगेगा। और दिल्ली का आनंद विहार से बहुत ही बगल में, ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, आराम से आप पैदल भी आ सकते हैं, ऑटो भाड़ा पर ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से रिलैक्स होकर बस पकड़िए, बगल में बस है, बगल में ऑटो है, कुछ भी है, लेकिन ऑटो मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा, ऑटो मत पकड़िए, या हो सके तो आप कोशिश करें कि मेट्रो पकड़ें, जल्दी और अच्छा सफिशेंट बढ़िया रहेगा और इन्जॉय भी कीजिएगा और आपको अच्छा भी लगेगा दिखने में। जैसे कि मैंने बोला क्या, हाँ तो मैंने यही बोला कि दिल्ली आइए और घूमिए, इन्जॉय कीजिए ऑल फैमिली के साथ, क्योंकि बहुत ही अच्छा है देखने में, सफिशेंट भी लग रहा है।